बंधु देखते हैं सीन के माध्यम से। सबसे पहले आप लोग सीन देखेंगे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त करके और भारत ही नहीं अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया और किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है देखेंगे और सुनेंगे कि महान चक्रवर्ती सम्राट जो मौर्य वंश में पैदा हुए, शाक्य वंश में पैदा हुए, ये इतिहास है और देखेंगे कि वो कैसे वीर थे और किस प्रकार से शासन करते थे। यारे बड़े बड़े वीर भैरे धरती पर एक से एक सूर सरदार अशोक ने इस दुनिया में नाम कमाया और किस प्रकार से भारत भूमि पर उनकी विजय पताका लहराई। आरे प्रिय नरसी अशोक कहलाए जिन को यस जग में रोचाई और अपने धम्म को धारण किया
और कसम खाई, संकल्प किया कि मैं दुनिया के कोने कोने में बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार करूंगा। 84,000 शिलालेख स्तंभ स्तूप बनवाए, बड़ी बड़ी रोडे बनवाई, रोडों के किनारे धर्मशाला कुआं खुदवाए, छायादार वृक्ष लगवाए। आज भी रोडों के किनारे जो छायादार पेड़ लगते हैं सम्राट अशोक का नियम है। रोड के किनारे हैंडपंप लगते हैं सम्राट अशोक का नियम है। उस समय कुआं खोदे जाते थे। रोडों के किनारे धर्मशालाएं बनती है, भी उन्हीं का नियम है। और आज भी उनके नाम का इस भारत में सिक्का चलता है। दुनिया में राजा तो बहुत हुए लेकिन किसी का सिक्का नहीं चला। वो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश में पैदा हुए, शाक्य वंश में पैदा हुए, लेकिन आज के मौर्य समाज के कुशवाहा समाज के लोग अपने पुरखों को ना जान करके गोबर और पत्थर को अपना बाप समझते हैं। जिनका सिक्का चलता है उनकी संतानें आज गोबर पत्थर को पूजने में मस्त है। तो अपने इतिहास को जान कहना है। आज जो ना इतिहास अपनो जाने उनके जीवन को देखा और अपने मुर्खा नाम पे जाने दुश्मन को रहे शीश झुका। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था।
हमारे पुर के खेतों में काम करते दिन रात, दाल चावल गेहूं पैदा तो कर सकते थे लेकिन खाने का अधिकार नहीं था। हमारे समाज के पूर्वज अच्छे अच्छे मकान बनाते, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनाते, लेबरी वो करते, मिस्त्रीगिरी वो करते, बड़े बड़े भवन बना करके तो तैयार कर सकते थे लेकिन उन बड़े बड़े बंगलों भवनों में रहने का अधिकार नहीं था। ऐसी दशा को देख करके महाराष्ट्र प्रदेश गांव सतारा में मालोजी सखपाल रामजी राव ने विचार किया, वो दिन कब आएगा हमारे समाज की दीनहीन दशा दूर होगी। श्रोता बंधु, उन्हीं की पत्नी भीमा बाई के कोख से, भीमा बाई की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ चौदवा रत्न, जिसका नाम था परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज श्रोता बंधुओं, किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाया और मनु स्मृति को जलाया, जो यहाँ का विधान चलता था, एससी एसटी ओबीसी समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, मंच पर बोलने का अधिकार नहीं था, एक साथ में 10 लोगों को बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने उस विधान को जलाया और संविधान को बना कर दिया। बोलिए बाबा साहब की, सुनेंगे। आज सबके हित की लड़ी लड़ाई दुनिया में गए नाम कमा, अरे खुद को कष्ट सहे बाबा ने गए सबका अधिकार में कोई विद्वान है, कोई पढ़ा लिखा डिग्री धारी है तो वो है अंबेडकर। कहना है कि एक अछूत के बेटे ने वो काम को करके दिखा दिया, एक अछूत के बेटे ने उस काम को करके दिखा दिया। मनवादी लोगों के अंदर, मनवादी लोगों के अंदर ऐसा तूफान है मचा दिया, गांधी नेहरू जो ना कभी कर पाए भारत में रहकर, लेकिन भीम ने क्या किया, अपनी कलम के ताकत से संविधान बना के दिखा दिया। अगर संविधान ना होता तो इसलिए कहना है हो सके तो अपनी बाड़ी में वो असर पैदा करो, हो सके तो अपनी बाड़ी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो हुनर पैदा करो, चाहते हो मान और सम्मान से जीना अगर तो हर एक भाई बहनों अपने घरों में अंबेडकर पैदा करो, अंबेडकर पैदा करो, अंबेडकर पैदा करो। आज परम पूज्य बाबा साहब ने तो भारत संविधान बना, लड़ाई हमें अधिकार मिला।
वो दाता नहीं भाग भी दाता थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है। अरे भगवान ने दिया है, जो लोग कहते हैं SC ST OBC के लोग कि जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है। अरे तुम लोगों को भगवान के दर्शन करने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया है। भगवान के मंदिर में भी घुसना मना था, भगवान को देखना मना था। नासिक के कालाराम मंदिर में घुसना नहीं, घुसना सख्त मना था। बाबा साहब ने आंदोलन के पता नहीं कितने लोगों ने लाठियां खाई थी तब उन्हें अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहब ने आंदोलन इसलिए नहीं किया था कि हमारे समाज के लोग पूजा करें। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी थी कि हम जाएंगे जरूर पूजा करने के लिए, नहीं अधिकार दिया था कि तुम पूजा करो। बाहर तालाब सत्याग्रह किया पानी के लिए, जिस तालाब में मीठा जल होता था हमारे समाज के लोगों को छूना मना था। बाबा साहब ने आंदोलन किया, उसमें सूत्रों को पानी पिलाने का अधिकार दिलाया। वही तालाब जिस समय जिस तालाब में बाबा साहब को नहीं हमारे पूरे समाज के लोगों को पानी छूना मना था, आज उसी तालाब के बीचों बीच में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा खड़ी है। ये आंदोलन है बाबा साहब का, ऐसे नहीं। इसलिए कहना है ऐसे भी मनाओ बलवा हिंद के दादा के नाम। गुरु रविदास, जिन्हें संत रैदास के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। ये काशी के रहने वाले थे, आज भी स्टेशन का नाम है मड़ुआडीह के नाम से स्टेशन जानी जाती है वाराणसी के आगे। आप स्टेशन पे जाएंगे कई ट्रेनों पे लिखा होता बरेली टू मड़ुआडीह, वाराणसी के आगे पड़ता मड़ुआडीह स्टेशन, बहुत बड़ा शहर है। वहां पर इनका जन्म हुआ, थे तो बहुत गरीब, लेकिन बचपन से इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडा पुजारी के आगे टिकते नहीं थे। किस प्रकार से हर संत गुरु रविदास जी भैया गए भारत भूमि।
सीन आप देखेंगे, अर्कवंशी महाराज संडीला के संस्थापक महाराज सन्नी सिंह अर्कवंशी कौन थे, कैसे थे, क्या नाम था उनके माता पिता और कैसे राजा थे और किस प्रकार से उनका पतन किया गया। ये अर्कवंशी लोग थे अलाउद्दीन खिलजी का जब यहाँ पर शासन हुआ सम्राट जयचंद का वंश जो कन्नौज में राज करता था उनके वंश को मिटा करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन सत्ता को व्यवस्थित किया और बाद में मनवादियों से मिलकर के संडीला राज पर आक्रमण कर दिया। और जिसे गाजर की लड़ाई हम कहते हैं उस गाजर की लड़ाई में ही सल्ली सिंह महाराज मारे गए, धोखे से छल से उनका वध किया गया, उनके किला को ध्वस्त किया गया और किस प्रकार से उनको मारा गया और अर्कवंशी समाज के लोग अर्क बन गए, अर्कवंशी नहीं रहे। कहना है अरे झाकी सल्ली राजा की जो सल्ली समय उनके सैन कक्ष में उन्हें कैद कर लिया जाता है और जबरन उन्हें बंदी बना लिया जाता है। महाराज आधीनता स्वीकार नहीं कर पाते, महाराज का मंत्री आता है तलवार उठाता है युद्ध करता है लेकिन जहां पर एक तलवारबाज हो और उसके आसपास 10 तलवारबाज हो कब तक लड़ेगा। महाराज तो बंदी थे नहीं तो महाराज बहुत बहादुर थे, उनके आगे बड़े बड़े सूरवीर झुक जाते थे लेकिन धोखे से जब बंदी बनाया गया साडिल नाम के ऋषि को जो ही साधु को देखा सल्ली महाराज कहने लगे अरे मूर्ख अरे पागल अरे धोखेबाज तुझको मैंने अपने वहां शरण दी और तूने ही मुझसे धोखा किया। उसने कहा कि अरे तुम अपने आप को राम का वंशज समझते थे, सच्चा राम का वंशज मैं हूं। आज भी हमारे अर्कवंशी समाज के लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और कहते हैं भगवान राम के खानदानी है। अगर राम के खानदानी हो तो तुम्हारी गिनती एससी और ओबीसी में क्यों आती है? विचार करो, दिमाग है तो मेरी बात मत मानो, दिमाग लगाओ। अगर आप सच्चे छत्री हो, राम के घरौआ हो, खानदानी हो तो तुम्हारी गिनती हाई कास्ट में होनी चाहिए, एससी और ओबीसी में नहीं होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में तुम्हें क्या लिखा जाता है वो आप खुद ही देख लो बनवा कर। साडिल ऋषि ने कहा मैं राम का वंशज हूं और मैं तिलकधारी पटाधारी मैं मनवादी हूं आर्य हूं। आर्य कितने लोग जानते हैं आर्य क्या होता है? आर्य वही लंबा तिलक मधुरिया वाणी और दगाबाज की यही निशान। समझने वालों के लिए इशारा काफी, न समझे
कुछ नहीं। जो पट्टाधारी जनेवदारी होते विप्र लोग ब्राह्मण बिरादरी का था वो साडिल ऋषि, उसने क्या किया, महाराज की गर्दन को उसी ने अपने हाथों से काटा और महाराज के राज को हड़प लिया। और आज भी अगर इतिहास संडीला को खोजेंगे तो बड़े बड़े मनवादी क्या कहते हैं, सल्ली सिंह अर्कवंशी ने नहीं, संडीला को साडिल ऋषि ने बसाया था। मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास पढ़िए, क्योंकि मैं आज इस मंच पे बैठा हूँ ऐसे वैसे नहीं बैठा हूँ। हमने बहुत मेहनत की, पता नहीं कितनी पढ़ाई की हमारे पप्पा ने, मजूरी कर करके हमको पढ़ाया कि भैया हमारा डीएम बनेगा, लेकिन सारी जिंदगी पैसा बर्बाद कर दिया। पढ़ाई तो बहुत की, नौकरी करते तो नौकरी मिल गई थी लेकिन नौकरी छोड़ दिए। क्यों? अगर नौकरी करते तो हो सकता आप लोगों को ना हम जानते और ना आप लोग हमको जानते। मेरे अंदर दर्द था कि मैं अपने समाज को, अपने समाज को जागरूक करूंगा, जो मुझे मालूम है मैंने जाना है तो अपने समाज को भी बताऊंगा, ये मेरे तक न रह जाए। मैंने इतिहास पढ़ लिया तो मेरे समाज के भाई बंधु दादा बुजुर्ग भी जाने, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमें नौकरी मिल गई थी वन विभाग में। आज अगर मैं नौकरी करता 90,000 रुपए महीने में वेतन मिलता, 90,000 रुपए वेतन पाता, लेकिन मैंने क्या किया, उस नौकरी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? समाज के लिए, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए। नौकरी मिल गई थी, रिजाइन कर दिया हमने, मतलब छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। क्या जरूरत थी नौकरी के लिए? आज लाखों रुपए जमा करते लोग, हमारे पैसे भी नहीं लगे थे, इतना बढ़िया व्यवस्था थी। माननीय एक IAS महोदय थे टी प्रसाद जी, उन्होंने हमें दिला दी थी, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। किसके लिए? आप लोगों के लिए। सुनिए, संडीला का जो निर्माण किया, बसाया सल्ली सिंह ने, आज जो उनकी मूर्ति लगी है नवीन मंडी के पास में, जबरन लगवाई गई, हमारे आप जैसे लोग जब खड़े हुए तब वो लगी, नहीं तो नहीं लग पाती। तो सुनना, और ये अर्कवंशी कौन थे? अर्कवंशी और कोई नहीं था, ये बुद्ध के वंशज थे। मैं नहीं कहता, इतिहास पढ़िए, बुद्ध को अर्काद कहते हैं। अर्काद मतलब बुद्ध के जो उपासक थे, उन्हें भी शाक्य अर्क जो है एक ही शाखा के लोग हैं। भगवान बुद्ध के सच्चे वंश शाक्य और अर्कवंशी लोग हैं, अर्क वंश में ही पैदा हुए थे भगवान बुद्ध, ये उन्हीं के खानदानी है। और बुद्ध का नाम भी था, आप पढ़िएगे, इतिहास पढ़ेंगे, और नहीं मालूम है तो आपको हम इतिहास हम देंगे। भगवान बुद्ध का चौथा नाम था, उनके 8 नाम थे, उनमें एक नाम भगवान बुद्ध का था अर्का बुद्ध, और अर्का से अर्कवंशी जो उनके सिद्धांतों पर चलते थे वही अर्कवंशी बने। कहना है भार, इनके ऊपर था तो राज का भार, तभी ये थे राज भार।
राज का भार खत्म हो गया तो राज भर केवल राजे भर में रह गए बाहर इनका नामो निशान। कहने का मतलब नहीं, शब्द से ही अर्थ निकलता है। थे राजभार क्योंकि राज्य का पूरा कारोबार देश भर के शासक थे, लेकिन जब मिट गए तो इनका नाम रह गया राजभर। केवल अपने राजे भर में रह गए, बाहर जाने वाले नहीं रहे, छिपते छिपाते अपने वंश को बचा करके रहने लगे। तो आज आपको आर्कवंशी लिखने का अधिकार मिला है, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत। बाबा साहब ना होते तो आपको ये अधिकार कभी नहीं मिलता। तो बोले महाराज सल्ली सिंह आर्कवंशी की। और अगला सीन देखेंगे आप धोबी समाज के महान संत। धोबी समाज में जन्मे जिनका नाम तो संत गाडगे, उनके साथ में जमींदारों ने क्या किया देखेंगे और बताएंगे। अरे धोबी वंश में एक चीज में चोगा लगे है संत का। महाराष्ट्र में कहा महाराष्ट्र जहां बाबा साहब का मूल निवास स्थान था, पुणे जिला में। पुणे जिला में नहीं, जो है महाराष्ट्र स्टेट है, प्रदेश। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो महारों का बाहुल्य क्षेत्र है, महारों का राष्ट्र, महार राष्ट्र से बना है महाराष्ट्र। वहां पर इनका जन्म हुआ और इनके दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, जमींदारों से कुछ कर्जा लिया था, तो उन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती धोखे से छल से खेती बाड़ी अपने नाम करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया और इनको घर से बेघर कर दिया। जब वो मर गए, सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, हार्ट अटैक से मर गए, तरस तरस के तड़प तड़प गए। तब इनके मामा अपने घर ले गए, इनके मामा जब अपने घर ले गए तो वही ये रहने लगे, पढ़ने लगे और काम करने लगे खेतों में। बड़े ही मेहनत का व्यक्ति थे संत गाडगे महाराज। एक जमींदारों के पास खेत था 10 बीघे का, ऊसर और बंजर। इनके मामा बड़े मेहनती थे, तो उन जमींदारों ने कहा कि ये खेत तुम ले लो और हमें पैसा भी नहीं देना, थोड़े बहुत पैसा दे दो। और उन्होंने खेत खरीदा और 2-4-5 साल बाद उस ऊसर को जब उपजाऊ बना दिया तो जमींदारों ने क्या किया, उनके खेत को भी छीन लिया और जबरदस्ती अंगूठा लगवा करके बयान करवा लिया, उनका घर संपत्ति भी ले लिया। माता मैंने 2 मिनट और बैठी रहे महाराज। संत गाडगे को बड़ा पछतावा हुआ, तब उन्होंने हाथ में कलम नहीं उठाई क्योंकि इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बीड़ा उठाया, संकल्प लिया कि मैं अपने समाज में शिक्षा की अलग जगाऊंगा और गांव गांव जाकर के उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते सुनिए। अरे भले ही आधी रोटी खाओ पर पंचन का ले उपड़ा, से कहा जाता था। ये भी हमारे आपके वंशज थे, ये धोबी नहीं थे, बाद में
दारों से इन्होंने कहा नहीं कपड़े नहीं धोएंगे तो जबरदस्ती से धुलवाएंगे। धो बे, बे कहा गया, क्यों नहीं धोएगा बे, धो बे, और धो बे से गाली दे करके धो बे से बना दिया धो बे धोबी। भैया पढ़ ली जो इतिहास, भैया पढ़ ली जो इतिहास, समय को चक्कर भारी, ये बात। चलिए कोई बात नहीं, आइए आपको सीन दिखाते हैं जिनको लोधे राजपूत कहते हैं और पासी कहते हैं। इनमें बहुत बड़ी बीड़ी वीरांगना है, जन्मी आवंती बाई लोधी ऊदा देवी जो पासी, जिन्होंने हाथों में बंदूक उठा करके और बंदूक से मार मार करके 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया। लेकिन संडीला ये जो तहसील है, लोध बिरादरी के लोग बहुत दिन से विधानसभा में रहते हैं, तो लोधी राजपूत की एक झांकी है, आप लोगों को बताइए। ये बहुत ही अच्छी झांकी है, आवंती बाई लोधी की झांकी आप लोग देखेंगे किस प्रकार से। माता बहने अब आप लोग तैयार हो जाए, ये मत समझिए कि हम कमजोर है, आपके भी बिरादरी में लेडीज बिरादरी महिला वर्ग में भी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं जन्मी। गौर से देखिए, अरे बड़ी बड़ी वीरांगना जन्मी इस दुनिया पर, सुनियो और विजय पता खाई इस दुनिया में, दुर्गा बहुत बड़ी वीर थी,
दुर्गा देवी के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन जो उनकी बहन दुर्गा ने सिर्फ महिषासुर को मारा, यादव वंश का राजा था धोखे से, लेकिन अवंती बाई लोधी ने एक नहीं 87 दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का काम किया। जोरदार तालियां बहन वीरांगना अवंती बाई लोधी के लिए कहना। दुश्मन भागत पीठ दिखाए और कमर कसे और उतरे भैया और चुल फेरना किसी नहरा वो सबला थी। कैसे एक कहने को तो बस अबला थी लेकिन सबला गई देखा और पूरे घर को बदला नहीं दी और दुश्मन दे अब पूरी पठा